Dear students, today we'll study about introduction to materials. आज हम लोग introduction to materials topic के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक basic electronics के electrical properties के base पे होगा. मेरा नाम हरी मोहन राय है, मैं assistant professor के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो because हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और या किसी मटेरियल्स की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो काम करते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हमें मटेरियल्स के बारे में जानना जरूरी है, बिकॉज इसी से हम लोग को पता हम कर पाएंगे कि क्यों हम सेमीकंडक्टर या किसी मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं हम दूसरे मटेरियल्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने के लिए. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इसे कैटेगराइज करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी कंडक्टिविटी के बेस पे. कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्ट करना. कंडक्ट करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, है ना. तो अगर जिस भी मटेरियल में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यानी कि जिसकी कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है. कनेक्टर मतलब जिसमें कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो होते हैं. और उसके वजह क्या होती है, क्योंकि कंडक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही रीजन होते हैं किसी भी मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो तभी हो पाएगा जब उसमें जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो कंडक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल के लिए गोल्ड है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, ब्रास, दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ कंडक्टर. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे इंसुलेटर. जहां पे ये कंडक्टर में सबसे ज्यादा हाई कनेक्टिविटी होती थी, जबकि इंसुलेटर में कनेक्टिविटी करीब करीब 9 के बराबर होती है. बिकॉज इंसुलेटर के केस में, इंसुलेटर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, 9 के बराबर होता है. और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इंसुलेटर में जो है वो कंडक्टिविटी नहीं होती है. तो इसलिए कंडक्टर एक्सट्रीम हाई एंड इंसुलेटर इज एक्सट्रीम लो. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन सेमी कंडक्टर. सो नाम से पता चल रहा है, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर. सेमी मतलब पार्शियल कंडक्टर. ये एक तरीके से देखा जाए तो कंडक्टर का की पार्शियल प्रॉपर्टी होती है इसमें, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है, यानी कि बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में कहीं होती है, ठीक है. तो यानी कि मैं इसे इंसुलेटर भी बना सकता हूँ और कंडक्टर भी बना सकता हूँ, ठीक है. तो इसी वजह से सेमी कंडक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसी वजह से हमारा जो सेमी कंडक्टर मटेरियल की वजह से ही जो एक इनोवेशन आया वो आया इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल राइज हुआ. सो एग्जाम्पल में के लिए कुछ एग्जाम्पल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, एल्युमिनियम है, दीज आर द नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसकी और प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने कनेक्टिविटी के बेस पे देखा, अब रेसिस्टिविटी की बात करते हैं. हमें पता है कि रेसिस्टिविटी का मतलब होता है रेसिस्ट करना, मतलब अपोज करना. तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी के बेस, रेसिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टिविटी की जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि अगर जितना ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ही कम रेसिस्टिविटी होगी. तो अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूं तो कंडक्टर में रेसिस्टिविटी नहीं होगी, लो या नेग्लेजिबल होगी, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे इसलिए उसमें कनेक्टिविटी ज्यादा थी. तो इसमें रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी. उस तरीके से इंसुलेटर में रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कंडक्टिविटी है नहीं, उसमें कंडक्टर ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं कर रहा है. इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है अपोज करने वाला जो है वो सबसे ज्यादा है. जब सबसे ज्यादा अपोज करेंगे तभी तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रेसिस्टिविटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी. और मॉडरेट होगा सेमी कंडक्टर में, बिकॉज इसमें ना सबसे ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है. ओके, अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. अब रेसिस्टिविटी की बात होगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मैं किसी भी एटम्स की बात, जैसे बोरोन की बात कीजिए, बोरोन में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 5 का मतलब ये हो गया कि 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है. तो इसमें यानी कि इस ऑर्बिट में हमारा 2 हो गया और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गया.
तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक होते हैं कंडक्टर के केस में, चाहे वो गोल्ड की बात कर लें, चाहे वो ब्रास की बात कर लें, या सब की बात करें, जबकि सेमीकंडक्टर में चार होते हैं, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आउटर मोस्ट, क्योंकि टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, एट। तो एट इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन में आधा कितना हो गया, फोर। तो इसलिए फोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर में होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किसमें होता है, कंडक्टर में होता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, एट। तो एट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इंसुलेटर में होते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंसुलेटर मतलब इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा, मतलब कंप्लीटली फिल रहेगा आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के केस में, क्योंकि कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिल इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा है, तो इसमें फिल इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा कब होंगे, जब सबसे कम अमाउंट ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इजिली क्या हो जाएगा, वो फिल इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है, 1 होता है। और चार यानी कि फोर जो होते हैं वो बिटवीन, 8 का आधा, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो उसका बिटवीन हाफ जो फोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर में होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं कंडक्टर्स, अब बॉन्डिंग के बीच में, जो बॉन्डिंग बनती है, तो बॉन्डिंग कैसे होती है, तो एज वी नो विल डिस्कस लेटर इन अबाउट डिटेल अबाउट दिस बॉन्डिंग्स, बट सिंपल वर्ड में कंडक्टर की जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू बनती है, वेयर एज क्योंकि इजिली इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो इजिली क्या हो जाए, डिटैच हो जाएगा, जबकि सेमी कंडक्टर में क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी कि शेयरिंग के साथ बॉन्डिंग बनती है। और इंसुलेटर्स में क्या होता है कि एक्सेप्ट या गेन करके, गिव और टेक के बेसिस पे आयोनिक बॉन्डिंग बनती है। तो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन बेस्ड ऑन एसेसिटिविटी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग। क्लियर। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट एसेसिविटी, कंडक्टिविटी एंड ऑल, सो लेट अस सी लिटिल बिट इस वैल्यू, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होती है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, कनेक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है इन केस ऑफ कंडक्टर, जो कि 10^-7 मो पर ओम, मो मतलब ओम का उल्टा है ना, तो मो पर ओम पर मीटर होता है, यानी कि एक मीटर में अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 10^-7 होती है। सिमिलरली अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये 10^-7 से लेकर 10^-13 के बीच में होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो गया, और इंसुलेटर के जो हो गया वो 10^-13 या उससे ज्यादा हो गया, मतलब कि नेग्लेजिबल हो गया, बिल्कुल ही नहीं के बराबर है ना। उसी तरीके से अब रेसिस्टिविटी की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि सबसे जो कम होगी रेसिस्टिविटी वो होगी किसमें, कंडक्टर में है ना, 10^-5 ओम मीटर, ओम इसका यूनिट होता है, और एक मीटर मतलब यूनिट हो गया है कि एक मीटर में कम से कम 10^-5 ओम जो है इसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू है। सेमीकंडक्टर में बिटवीन में होगा 10^-5 से लेके 10^+5 के बीच में, और इंसुलेटर के केस में 10^5 ओम मीटर होगा रेसिस्टिविटी की वैल्यू। तो जस्ट टू टेक द नॉलेज सेक, इट इज जस्ट टू मेक यू रिमेम्बर कि कैसे वैल्यूज वैरी करती है। नाउ अब अगर हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में, दैट इज अ फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप जिसको भी बोलते हैं। तो एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर पहले देखा था, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो तब तक कंडक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाएगा, जब तक वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना बन जाए। तो जो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनता है तो चला जाता है कंडक्शन बैंड में, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि बोरोन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसमें से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया, फ्री मतलब इससे निकल गया एनर्जी गेन करके या किसी तरीके से ये निकल गया यहां से, तो ये हो गया कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है, अब इससे एनर्जी का करंट का फ्लो हो सकता है, और रिमेनिंग दो जो हो गया वो क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और जो एनर्जी होती है वैलेंस बैंड में यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये हो गया कि गैप इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, जो कि कंडक्टर के बीच में बिल्कुल नहीं होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के बीच में बहुत छोटा होता है, कम होता है, और इंसुलेटर के बीच में जो होता है सबसे ज्यादा होता है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो हियर इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ आवर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसको हमने एनर्जी के बेस पर डिवाइड किया है। सबसे नीचे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड नीचे क्यों है, क्योंकि इसमें इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो कम होगा कंडक्शन से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेगा तभी कंडक्शन बैंड में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ होता है, यानी कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज्यादा होती है और वैलेंस बैंड में एनर्जी कम होती है। तो अभी इंसुलेटर की बात अगर हम करें तो इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इसको मेजर करते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप को ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सिंबल है ईजी और इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, यानी कि बैंड गैप को, एनर्जी बैंड गैप को ईजी से डिनोट करते हैं, और इसको इसकी वैल्यू जो मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मेजर करते हैं, तो काफी ज्यादा होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, और इसी वजह से इसमें कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है और हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता है। इसी वजह से आप जो वुड, पेपर, रबर, माइका ये सब चीजें में देखोगे तो उसमें कंडक्शन नहीं होगा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि दो चीजों को इंसुलेट करना, अलग करना, है ना। सिमिलरली जब हम आते हैं सेमीकंडक्टर के बीच में, तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप जो होता है वो काफी कम होता है, और ये कम इस तरीके से होता है कि अगर हम तीन अलग अलग मटेरियल को एग्जांपल लेके दिखा रखे हमने, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, तो सिलिकॉन के केस में जो इसका गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, जर्मेनियम के केस में 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड की बात करूं तो 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये हो गया, और किस केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, यानी कि अगर मैं इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूं तो इजीली ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और ये नॉन कंडक्टिंग से कनेक्टिंग बन जाएगा, है ना। ओके, अब आते हैं हम लोग फाइनली कंडक्टर में। कंडक्टर में केस में देख सकते हैं हम कि वैलेंस एंड कंडक्शन कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप नहीं, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, यानी कि एनर्जी बैंड गैप जो है वो करीब करीब जीरो होती है, सो दैट इसमें कोई रेसिस्टिविटी नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो सेमीकंडक्टर से कंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो क्लियर है इस केस में। एंड द लास्ट पॉइंट की हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमी रेजिस्टेंस। बाकी के केस में क्या होता है, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। बट इस केस में क्या है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब मैं रेसिस्टेंस को मुझे घटाना होगा तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, यानी कि टेम्परेचर जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो उसके बीच का रेसिस्टेंस घटेगा। अब आपको पता है कि जब रेसिस्टेंस घटेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए जो जर्मेनियम होता है एक्चुअली इंसुलेटर होता है लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर की हम बात करें तो एक तरीके से वो क्या होता है, वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर बन जाता है एट हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए उसको समझाने के लिए हमने एक बात की है कि एज द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, यानी कि जब हम जीरो केल्विन की बात करें तो जीरो केल्विन पे बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन जो होता है वो हम मेजर करते हैं 273 के स्केल पे, यानी कि 0+273 डिग्री केल्विन। तो अगर आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस है तो 1+273 यानी कि 274 केल्विन हो जाएगा। तो जीरो केल्विन का मतलब ये हो गया कि हमारा -273 डिग्री सेल्सियस पे ये कंप्लीटली किसके बराबर होता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं, यहाँ से राइज करते हैं, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ना शुरू करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो अब्सॉर्ब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, क्योंकि हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और जैसे एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो जो कोवेलेंट बॉन्डी है आपस में इनकी दो एटम्स के बीच में वो क्या हो जाएगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और जब बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री बन जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री बन जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें और कंडक्टिविटी इजिली कंडक्ट कर पाएगा। तो जैसे हम लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो ये इंसुलेटर से कंडक्टर की तरफ बिहेव करना करने लगता है।
ठीक है। तो अब हम इसको समराइज करें अगर शॉर्ट में, तो क्या कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जब चाहे तो हम इसको इंसुलेटर बना सकते हैं, जब चाहे तब इसको कंडक्टर बना सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये इस दोनों की प्रॉपर्टी को ये अपने आप में सम्मिलित करता है। अच्छा, इसलिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ और इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आज के डेट में इतना ग्रो किया इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब हम इसकी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के हमने बारे में बात किया, क्या बात किया, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है कंडक्टर में, सबसे कम होती है इंसुलेटर में और सेमी कंडक्टर में, दोनों के बीच में होती है। रेसिस्टिविटी उसके अपोजिट होती है, सबसे ज्यादा होती है इंसुलेटर में, सबसे कम होती है कंडक्टर में और सब और बीच में किसके होती है, सेमी कंडक्टर के। उस तरीके से हमने अगर बात की, हमने बॉन्डिंग के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होती है इंसुलेटर की, मेटालिक बॉन्डिंग होती है कंडक्टर की और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है किसकी, सेमीकंडक्टर की। इसके अलावा हमने बात की एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में। तो एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा एनर्जी बैंड गैप जो होगा वो होगा इंसुलेटर का, और सबसे कम जो होगा यानी कि नहीं के बराबर होगा वो कंडक्टर का, और बीच में यानी कि थोड़ा जो होगा वो किसमें होगा, सेमीकंडक्टर का होगा। तो इस तरीके से हमने करीब करीब सारे प्रॉपर्टीज के बारे में कवर अप किया और इस तरीके से हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू मटेरियल्स के बारे में, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, क्योंकि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस किए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आप लोगों में से किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मैसेज मी, कॉल मी और यू कैन आस्क मी। थैंक यू।